कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश सामने आया है। 25 सितंबर तक सेंसर बोर्ड इस पर फैसला ले, ये साफ कर दिया गया है बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से। रचनात्मक आजादी पर रोक ठीक नहीं है। एक बार फिर से राजीव का अनुरोध करें, राजीव अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। देखिए, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर ये बात कहा है कि किसी भी तरह की जो कलात्मक रचनात्मक चीजें होती है उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। दूसरी बात, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सीबीएफसी की तरफ से बार बार तर्क दिया जाता है कोर्ट में कि इसमें कुछ ऐसे कंटेंट है, ऐसे कई डायलॉग्स हैं, ऐसी कई चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है जिससे समाज में कहीं ना कहीं विघ्न उत्पन्न होगा और दो कम्युनिटी एक दूसरे के खिलाफ जो है उसको लेकर विरोध हो रहा है, तो इसलिए कोर्ट ने इस पर यह कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाकर किसी फिल्म की रिलीज को लेकर सीबीएफसी जो है सर्टिफिकेट जारी करने से रोक नहीं सकता। लॉ एंड ऑर्डर को देखना जो है उस इनका काम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम सिटी पुलिस का है। जिस शहर में फिल्म रिलीज होगी वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार इस पूरे मामले को देखेगी, क्योंकि सीबीएफसी की तरफ से सर्टिफिकेट जो है रोका गया है। और अब इस पूरे मामले में 25 सितंबर को सुनवाई होगी, वहां पर इनको अपना जवाब देना पड़ेगा कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात कहकर इस पूरे मामले में सर्टिफिकेट देने से रोक नहीं सकते। तो कह सकते हैं कि आज पूरी जो सुनवाई हुई है उसमें कंगना के लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है।